साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड, 6 या 7 पॉइंट बताऊंगा, पूरा देखिएगा वीडियो, आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है, सबकी सब आपके काम आने वाली हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो भाई देखिए कोरोना से रिलेटेड मैं पहले अपडेट दे देता हूँ आपको। लगभग 4600 प्लस अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 33 यानी 33 डेथ अभी तक हो चुकी हैं, उनमें से लगभग 1700 प्लस रिकवर अभी तक कर लिए गए हैं। ये तो कोरोना की अपडेट है। आगे हम बात करते हैं साथियों, गवर्नमेंट ने भाई देखिए इतने से में कुवैत ने, मुझे लग रहा है जहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही है, ऊँचे हाथ करेगी। बोल रही है 2020 में वीज़ा वगैरह, वर्क परमिट, विजिट वीज़ा सब क्लोज, सुनने में ये आ रहा है। गवर्नमेंट के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 2020 तक हम नए बंदे कुवैत में नहीं घुसने देंगे। हाँ, जिनके वीज़ा लगे हैं या छुट्टी गए हो सकता है उनको बुला ले, बाकी नया वीज़ा अपन सोच रहे हो कि आपने मेडिकल करवा रखे हैं आपका वीज़ा निकल जाएगा, विजिट वीज़ा, ये मुझे नहीं लगता कि ये निकलने वाला है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं भाई, कुवैत में 1,60,000 इनलीगल वर्कर हैं, उनमें से 25,000 लोगों ने अभी तक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, बाकी अभी बाकी हैं। गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल लास्ट दी थी लेकिन अभी तक उनमें नहीं पहुँच पाए। अभी जो लोग पहुँच रहे हैं इलीगल वर्कर, गवर्नमेंट टाइम नहीं बढ़ाया, लेकिन उनकी मांग है कि टाइम बढ़ाया जाए, हम बिना ब्लैक लिस्ट हुए बिना जुर्माना भरे घर जाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी तक टाइम बढ़ाया नहीं, आगे जैसे बढ़ाती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आगे साथियों, काफ़ी लोग कमेंट आ रहे थे कि जो ब्लैक लिस्ट जो भागे हुए हैं, जो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जो वीज़ा वगैरह खारजी हैं, तो मैं बता दूं आपने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा होगा एम्बेसी में, या फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वर्कर पूरा काम नहीं वगैरह वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करें। आपका पासपोर्ट या तो बन गया है तो आप ले लीजिए, रिश्यू कर लीजिए, नहीं बना तो आप एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करें, मेल करें, फ़ोन करें, पासपोर्ट अपना ज़रूर बनवा लें। आगे भाई आज की लेटेस्ट बैड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया के 2 लोग कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अरे हालांकि पुख्ता फाइनल अभी तक नहीं है, लेकिन 2 लोगों के मरने की अभी न्यूज़ आ रही है कोरोना की वजह से। आगे बात करें साथियों, कुवैत में एक प्रॉब्लम चल रही है कि जो लोग किराएदार थे, रूम रेंट पे लेके रह रहे थे, उनके पास सबको पता भाई रूम रेंट का पैसा नहीं है, कंपनियों ने तनख्वाह नहीं दी, जो थे वो बैठे बैठे खा गए, तो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है रूम से, या उनके बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है, पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो आप उधर अपने जो इंडियन एम्बेसी है या MOI है उनसे भाई कॉन्टेक्ट करें, ईमेल के द्वारा जाके या 5-7 लोग जाके वहाँ खड़े हो जाओ कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ज़बरदस्ती निकाला गया, तो 100% आपका समाधान होगा। वहाँ बैठने से बाहर, मकान के बाहर बैठने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि आदमी जहाँ रहता है वहाँ पानी और बिजली की तो सख्त ज़रूरत है भाई, गल्फ में तो बिना पानी और बिना बिजली के तो मतलब ही नहीं है, तो थोड़ा सा इस बात पे आप गौर कर लें। आगे मैं बता दूं कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने एक, आपको पता ही होगा सब लोगों ने, कि ऑनलाइन एक फॉर्म लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आपकी सिर्फ डिटेल मांगी जाएगी, समझ गए बात को, डिटेल में आपको भरना क्या है, जो पूरा एक फॉर्म है उसमें भर के सबमिट करना है, नीचे 3-4 कंडीशन होगी, टिकट का पैसा जो गवर्नमेंट बताएगी वो आपको देना पड़ेगा, जिस कैटेगरी के आप होंगे, आप फ्री वाली में आते हो, नॉर्मली में आते हो या सामान्य में आते हो, वो आपका पैसा लगेगा। 14 दिन आपको इंडिया में क्वारंटाइन रख करके रखा जाएगा, उसके बाद वहाँ से आप वापस अपने घर तक पहुँचोगे, वो किराया आपको देना पड़ेगा। तो मैं फॉर्म का लिंक नीचे डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप जाके उसको ओपन करोगे तो वहाँ एक फॉर्म निकलेगा, सामने आएगा, उसमें जो 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 डिटेल मांगी जाती है वो आप भर लीजिए। मैं बता देता हूं आपको, कोई ज्यादा लफड़े वाला बात नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्म है, आप खुद भर लीजिए, या आपको भरना नहीं आता तो आप अपने पड़ोसी से भरवा सकते हैं, भर के उसको सबमिट करना है, तभी आपका रिकॉर्ड आ पाएगा, तभी आप इंडिया आ पाओगे। ये थोड़ा देख लीजिए आप, सबसे पहले आपको नाम भरना है, एज भरनी है, उसके बाद जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, पासपोर्ट नंबर आपको भरने हैं, और आपका रीजन भरना है कि आपका कारण क्या है, आप क्यों आना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, आपकी जो भी आप काम कर रहे हो वो उसमें साथ में डाल देना है, ठीक है। स्टेट आपका इंडिया में आपका कौन सा स्टेट, आप बंगाल बिहार राजस्थान कौन से हो, वो आपको भरना है, फुल एड्रेस आपको भरना है, आपका इंडिया का एड्रेस भरना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ का भी देना है ताकि वहाँ उनसे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, इंडिया का भी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है साथियों, दोनों आपको देना होगा। आपका कोविड टेस्ट आपने किया तो आपको येस करें, नहीं किया तो नो करें, ये भी कोविड टेस्ट यानी कोरोना का टेस्ट आपने करवाया कि नहीं करवाया। प्रोफेशन क्या काम करते हो वो आप साथ में भर दीजिए। रिमार्क आपके कोई, जैसे कोई दाग है, कोई निशान है, कोई आँख में प्रॉब्लम जो है आप भर सकते हैं। शर्तें उसमें यही है कि भाई जो भी आपको अधिकारी वगैरह रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से लेने के लिए, जो बोलते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा, आपको जो भी गवर्नमेंट बोलती है वो टिकट का पैसा देना पड़ेगा,
बस यही तीन चार शर्तें हैं, उसमें नीचे यस करके आप फॉर्म जो आएगा उस पर रेड या नीला बटन है उसको आप सबमिट कर दीजिए, वो फॉर्म ऑटोमेटिक एम्बेसी के पास आएगा, एम्बेसी से गवर्नमेंट के पास आपका डेटा चले जाएगा और आप इंडिया आने के लायक हो जाओगे। आज की लेटेस्ट न्यूज़, 2 मई की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है, 14 एयरपोर्ट जो युद्ध पोत हैं वो खाड़ी के लिए तैयार है, तो कल की डेट में फाइनल हो जाएगा गवर्नमेंट किस तरह से कहाँ कहाँ पहले बुलाती है। ठीक है साथियों, बस कुवैत से रिलेटेड न्यूज़ थी, मैंने आप लोग शेयर कर दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर रोज़ विदेश से रिलेटेड इंक्वायरी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।